हरदोई एसपी अनुराग वत्स के निर्देशन में हरदोई देहात पुलिस स्वाट टीम सहित सर्विलांस टीम ने दो दिन पूर्व देहात थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में हुई मासूम बच्चे की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जारी पूछताछ में आरोपी राम खेलावन ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि पैसे के लालच में उसने बच्चे की हत्या की थी और बच्चे के शव को तालाब में डाल दिया था। 2 लाख की फिरौती भी परिजनों से मांगी थी। हरदोई एसपी अनुराग वत्स ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारे का मुख्य मोटिव बच्चे को लेकर परिजनों से पैसे की डिमांड करना था। बच्चे को जब उसने अपने लड़के के द्वारा अपने पास बुलाया तो मृतक बच्चा बहला फुसला कर आ गया और जब वह बच्चा हत्यारे के पास आ गया तो वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, जिसके चिल्लाने को देखते हुए हत्यारा घबरा गया और उसने बच्चे की वहीं पर गला दबाकर हत्या कर दी तथा बच्चे के शव को तालाब में डाल दिया। एसपी अनुराग वत्स ने हरदोई कोतवाली देहात पुलिस व स्वैट टीम के द्वारा बच्चे की हत्या का खुलासा 2 दिन में करने पर 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। करी है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कोड़ा गांव से एक बच्चा गायब था जो 15 जनवरी से जिसका गायब होने की जानकारी थी। पुलिस ने इसमें तत्परता से मुकदमा कायम किया और बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे पूर्वी साहब और सीओ सिटी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसी क्रम में आप अवगत होंगे कि 4 फरवरी को बच्चे का जो शव था वो उसी के गांव के नज़दीक एक पोखर में उस बच्चे का शव मिला था और उस शव मिलने के बाद पुलिस ने इसमें आगे जो कार्रवाई बढ़ाई उसके बाद ये जानकारी मिली कि जो उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम राम खेलावन है, उसी ने उस बच्चे को अपने स्वयं के बेटे की मदद से उसको बहला फुसला कर उसको लेके गया और उसी दिन कुछ समय बाद ही उसको मार दिया और मार के उसके डेड बॉडी को तालाब में डाल दिया था। और उससे पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि वो ये उसको मारने के बाद उसकी हत्या करने के बाद वो ये चाहता था कि इससे वो कुछ पैसे कमाए और इस बात का पत्र उसने उनके परिवार वालों को लिखा, जो पत्र भी पुलिस ने बरामद किया है। और इस पूरी घटना का खुलासा इस प्रकार से पुलिस ने तत्परता से किया है और जो टीम जिन्होंने ये खुलासा किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट केस लग रहा था जैसा कि आप जानते हैं, उस टीम को भी नगद 10,000 रुपये दिए गए हैं और आगे भी इनके प्रशस्ति पत्र और डीजी कमेंडेशन के लिए भी टीम की संस्तुति की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.